मेरे को लक्ष्मी नगर से आने में यहाँ 2 घंटा लगा है और मेरे को जाना है नरेला, काफ़ी परेशानी। बसें चलने पर यही समस्या आ रही है कि जहाँ पे आधे घंटे का डिस्टेंस हो वहाँ पे 2 घंटे लग रहे हैं। मैम बस तो घर कहाँ आ रही है, बस में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ना तो टाइमिंग की वैल्यू है ना किसी और चीज़ की वैल्यू है। समय के अनुसार देखा जाए तो हमारा टाइम कितना ख़राब हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से डीटीसी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से बसों को रोक दिया गया है। हालांकि बहुत कम बसें चल रही हैं, ऐसे में हम एक बस स्टैंड पर मौजूद हैं जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंकल जी बताइए कब से खड़े हैं आप यहां पर? मेरे को लक्ष्मी नगर से आने में यहाँ 2 घंटा लगा है और मेरे को जाना है नरेला, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय की कितनी हानि हो रही है आपको? समय देख लीजिए, आंटी जी कब से खड़ी हैं आप यहाँ पर? यहाँ मुझे हो गए 10-15 मिनट हो गए, बस की प्रॉब्लम हो रही है। कितने दिनों से बसों की प्रॉब्लम हो रही है? 3 दिन से ही हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आने में भी जाने में भी। घर जाने में कितना समय लगता है आपको? मेरे को 1 घंटा करीब लगता है घर जाने में, नथुपुरा जाती हूँ। अच्छा जी, आंटी जी आप बताइए इसके अलावा जो है बसों में, देखिए बसें कम चलने लगी हैं और जो है टाइम की बहुत खपत हो रही है, ऐसे भाग दौड़ हो रही है, इसमें आपको कैसे मतलब क्या समस्या आ रही है? रोकते भी नहीं है बस वाले और परेशानी हो रही है हमारे तो बहुत ज़्यादा ही, आधी आधी रातों में घर पहुँचते हैं। अंकल जी बस नहीं आ रही है तो किस प्रकार का समस्या आपके सामने यहाँ पर आ रही है? मैम बस तो घर कहाँ आ रही है, बस में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ना तो टाइमिंग की वैल्यू है ना किसी और चीज़ की वैल्यू है। समय के अनुसार देखा जाए तो हमारा टाइम कितना ख़राब हो रहा है, ये गलती किसकी है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश ये करो कि जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी इस प्रॉब्लम को सोल्व कराओ। कब से खड़े हैं आप इस स्टैंड पर? बैठे हाफ एन आवर, आधे घंटा कम से कम, आधे घंटे से मैं यहाँ, लेकिन हमें जो है ना एक बस नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके वजह से ज़रा बताएंगे? हाँ आपको बता दें हड़ताल की वजह से ऐसा हो रहा है, जो कर्मचारी डीटीसी के हड़ताल। अरे तो मैडम ये बताओ ये ठीक है हड़ताल, किस चीज़ की हड़ताल है, क्यों हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है या उन्हें बाकी सब चीज़ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हैं उनकी प्रॉब्लम है तो वो दूर करी जाए, किस वजह से बैठे हैं? अरे भाई दोस्तों, भाई ड्राइवर साहब जो भी हैं मेरे दोस्त, ये देख लो कि कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके की, अगर ड्राइवरी में के हड़ताल पर बैठे सब लोग परेशान हो तो अच्छा नहीं लगता ना दोस्त, कुछ नहीं होता है, इसलिए आप देखो। कितना परेशान है जो बसें हैं वो कम चल रही है इसको लेकर? हम तो बहुत परेशान हैं जी, बस आती नहीं है, कई कई बार 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक बैठे रहते हैं। एक तो बस है, बस कम आ रही है, प्लस में प्रदूषण है कि दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रदूषण कुछ नहीं है जी, बस नहीं आती है बस टाइम से। इसे यहाँ से शाम को 50-50 रुपये तक बुराड़ी तक किराया लेते हैं ग्रामीण सेवा वाले। अभी ये जो डीटीसी चल रही है इसमें क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, आ रही है बस टाइम पर या नहीं? नहीं टाइम पर नहीं आ रही, समय वेट करना पड़ता है आपको यहाँ पर बस लेने के? आधा घंटा 40 मिनट, रात 7 बजे बाद तो बस आई नहीं बुराड़ी साइड को। आप मतलब जो डीटीसी है इसके साथ साथ एक तो बसें कम आ रही है प्लस में प्रदूषण की जो मार है, हमारा नथुपुरा तक 20 रुपये का रहते हैं ग्रामीण सेवा, 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये तक शाम के टाइम, 5 बजे बाद शुरू हो जाएगा 40 रुपये 30 रुपये किराया। समय का कितना नुकसान होता है आपका यहाँ? समय का मैडम कभी आधा घंटा 1 घंटा होता है यहाँ। लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि जो बस है बस से उनका जो बसें कम आ रही है जिसको लेकर उनका टाइम जो है जाया हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि बसें कब तक आएंगी, लोग भी जो है यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनकी हड़ताल कब रुकेगी और कब सारी बसें चलेंगी। कैमरा पर्सन विकी वर्मा के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली।